टी20 सीरीज के बाद इंडियन क्रिकेट टीम अब कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में न्यूजीलैंड से 25 नवंबर को एक बार फिर से आमने सामने होगी। लेकिन दोस्तों, कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम इंडियन टीम के लिए बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है, क्योंकि टीम इंडिया पिछले 38 सालों से यहां कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के न्यूज जंक्शन में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, इसी साल इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद इस फॉर्मेट में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये पहली टेस्ट भिड़ंत होगी। इंग्लैंड में खेले गए फाइनल में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब टीम इंडिया के पास हिसाब चुकता करने का मौका आ गया है, क्योंकि दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंडिया का काफी जोरदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कि इंडिया के लिए एडवांटेज साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया यहां पिछले 38 सालों से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में अब तक 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं और 3 में वो हारी है और 12 मैच ड्रॉ रहे हैं। बता दें कि इंडिया को 1983 में आखिरी बार वेस्ट इंडीज से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से टीम इंडिया इस स्टेडियम में 8 टेस्ट मैच खेल चुकी है, जिनमें से 5 मैच इंडिया ने जीते हैं और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। इनमें से पहला मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में 1996 में हुआ था, जिसमें इंडिया ने 280 रन से जीत हासिल की थी। दूसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुआ, जिसमें इंडिया ने 8 विकेट के साथ जीत हासिल की। और साल 2004 में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच फिर से मुकाबला हुआ, लेकिन ये मैच ड्रॉ रहा था। साल 2008 में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच एक बार फिर से मुकाबला हुआ, जिसमें इंडिया ने 8 विकेट से जीत अपने नाम की। और दोस्तों, टीम इंडिया कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए पिछले 3 मैच लगातार जीतती आ रही है और अब एक बार फिर से टीम जीत अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम यहां पर आपको पिछले 3 मैच के बारे में भी बता देते हैं। तो साल 2008 में इंडिया ने इस स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था और साल 2009 में श्रीलंका को 144 रन के साथ हराया था और साल 2016 में न्यूजीलैंड को 197 रनों के साथ हराया था। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चौथी बार भी टीम इंडिया इस मैदान पर इस जीत को अपने नाम कर पाती है या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। Also, follow us on Instagram for quick updates.